नमस्कार, आप देखते हैं समाचार टू जेड किसान गन्ना। रामपुर में किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग की और सीधे चीनी मिल को सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैकेज का भी किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना था कि चीनी मिल चलाने के लिए सरकार मिलों के पैकेज दे रही है, सीधा किसानों को क्यों नहीं देती। मिलों पर किसानों के बाकी बकाया है, उसका भी भुगतान किया जाए। किसानों ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया। समाचार टू जेड के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। कहाँ स्मृति रानी, कहाँ राजनाथ सिंह? आज जमीर मर गया सब टाइम का। कहाँ इनका जमीर? आज आपने 5 साल पहले इनका जमीर था। आज आपने ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। हम चाहते हैं जो पैसा प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए दिया वो सीधे सीधे किसानों खातों में पड़ना चाहिए। अगर उसमें कोई भी हेरा फेरी चीनी मिलों ने की तो उसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार होगी। और होगी क्या, वो तो करा ही रहे हैं। उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार चल रही, किसान की सुन कौन रहा है? इतनी महंगाई हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी, सपने में नहीं सोची थी। एक कट्टा भर के किसान गेहूं लेके जाया करता था, ड्रम भर के तेल लाता था। आज ड्रम भर के नोट लेके जा रहे हैं और एक कैन में तेल लेके आ रहे हैं। ये सरकार, इसकी उम्मीद की थी हमने? हमने सोचा था हमारे देश के पीएम रंडवे हैं, ना बच्चे ना भाई ना ये, शायद काला धन ला के हमें दे देंगे। हमारे बच्चों को तो वादा भी किया था उन्होंने। तो हमारे दिमाग में ये थी कि जिसका बड़ा बड़ा परिवार नहीं होता, ऐसे लालू यादव जी थे, बड़ा परिवार था, चारा खा गए वो, भैंसों का चारा नहीं छोड़ा, परिवार पालने की चोरी की उन्होंने। तो हमें ये था कि शायद मोदी जी का कोई परिवार वाला नहीं, इसलिए चोरी ना करेंगे ना करने देंगे। इन्होंने तो वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी पूरी दुनिया को नहीं थी। हमारे देश से डीजल पर